मतलब इतना ज्यादा डम था कि मुझे वेब डेवलपमेंट में मैं चला गया, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि एपीआई कहते किसको है। इनिशियली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फेज रहा था वो वाला टाइम। वहां पे सिर्फ एक डेवलपर था जो कुछ भी मुझे काम दे दिया जा सकता था, लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ अगर आपको डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ जेंगो आती है तो उसका इतना ज्यादा फायदा नहीं होता। और अगर इन टर्म्स ऑफ सैलरी की बात करूं, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे एज ए जेंगो डेवलपर के एक्सपीरियंस के बारे में कि जब मैं किसी कंपनी में एज ए जेंगो डेवलपर काम कर रहा था तो क्या क्या चीजें मुझे देखने को मिली या फिर मैंने क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस की। तो आज के इस वीडियो में हम उन सब चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोगों को जैसे पता है कि जब मैं अपनी कंपनी स्विच कर रहा था तो उस टाइम पे मुझे इतना डीप में नॉलेज नहीं था जेंगो के बारे में। तो वहां पर जब मैं चला गया तो आपको जैसे पता है मुझे एपीआई के बारे में भी नहीं पता था, मतलब इतना ज्यादा डम था कि मुझे वेब डेवलपमेंट में मैं चला गया, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि एपीआई कहते किसको है। नैन आई यूज टू नो कि यार ठीक है, मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मैं चीजें डेवलप कर रहा था उसको एपीआई का ही नाम दिया जाता था, तो उस टाइम पे मुझे इसकी इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी। उसके बाद मुझे मॉड्यूल बनाने के लिए दे दिया गया जो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि प्रोजेक्ट का कुछ फ्लो ही समझ में नहीं आ रहा था, किस तरह से करते हैं या फिर स्टार्ट कहाँ से करूँ एंड कहाँ से करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो पहले कुछ हफ्ते थोड़े हेक्टिक रहे थे, बट या मैं उसके बाद काफी ज्यादा यूज टू हो गया। जब मुझे प्रॉपरली प्रोजेक्ट समझ में आ गया, मेरी प्रॉपरली कमांड बन गई, मैं उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को खुद से हैंडल करने लग पड़ा। लेकिन हाँ, इनिशियली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फेज रहा था वो वाला टाइम। उसमें मुझे एक्चुअली उस टाइम पे पढ़ने का बहुत होता था कि मैं कुछ पढ़ूंगा, मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ नई नई चीजें डेवलप करूंगा, तो ये सब चीजें उस टाइम पे बहुत ज्यादा दिमाग में चलती थी। तो वो लर्निंग फेज मेरा चल रहा था, वो एक्सप्लोर करने वाला फेज मेरा चल रहा था उस टाइम पे। तो मैं बहुत ज्यादा, जैसे मैं ऑफिस में कोई काम करता था तो घर पे जाके भी मैं उसके रिलेटेड कुछ आरएनटी डेफिनेटली करके ही रखता था ताकि मुझे इन फ्यूचर वो चीज काम में आ सके। और अगर मैं जेंगो की बात करूं तो जेंगो का तो ऐसे था कि मैं ए टू जेड प्रॉपर जेंगो में घुसना चाहता था कि होता क्या है, किस तरह से क्या क्या चीजें डेवलप की जा सकती हैं। तो अलग अलग चीजों को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करके देखा। कई बार तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती थी कि उनको ये चीज नहीं चाहिए होती थी, फिर भी मैं उनको बोलता था कि वी कैन इंट्रोड्यूस दिस थिंग एंड दैट थिंग एज वेल, तो वो भी काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ करते थे और हम वो चीजें ऐड कर दिया करते थे। अब जैसे मान लो ऑथेंटिकेशन सिस्टम की बात करूं तो हम ओसो ऑथेंटिकेशन सिस्टम मैंने इंप्लीमेंट किया था, उसके अलावा एसएसओ भी मैंने उस टाइम पे ट्राई किया, एसएएमएल भी मैंने ट्राई किया, लेकिन हाँ इन दी एंड ओथ ऑथेंटिकेशन सिस्टम मैंने उस एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करके देखा था। सैलरी किस तरह से यूज की जाती है, ऑटोमेशन किस तरह से होती है, कोई प्रोसेस को हम क्रॉन जॉब में किस तरह से लगा सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैंने उस टाइम पे की। बट ऑब्वियसली एज ए जेंगो डेवलपर ही मैं उस कंपनी में काम नहीं कर रहा था, मैं वहां पे सिर्फ एक डेवलपर था जो कुछ भी मुझे काम दे दिया जा सकता था। और आपको भी मैं यही एडवाइस दूंगा कि कभी भी जब आप किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में जाते हो, फेवरेट है आपकी टेक्नोलॉजी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सिर्फ उसी में स्टिक मत कीजिएगा। मार्केट में क्या होता है ना कि अगर आपको सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी आती है उसके बेसिस पे आपको इतनी ज्यादा हाइक्स नहीं मिलती, तो आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पर काम करने, जहां पर अभी आपको लगे कि यहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए जो कि काफी ज्यादा बूमिंग पे चल रही है। जैसे मान लो कि अगर आपको रिएक्ट पे काम करने का मौका मिले, एंगुलर पे या फिर व्यू पे, फ्रंट एंड डेवलपर के बेसिस पे, तो आप वो चीजें भी एक्सप्लोर करके जरूर देखिएगा। मैंने भी वो सबकी सब चीजें एक्सप्लोर करके देखी थी, उसके अलावा नोट पर भी काम किया था, लेकिन मुझे इतना ज्यादा मजा नहीं आया, इतनी ज्यादा किक नहीं मिली थी मुझे उस काम को करने में। तो मेरा फेवरेट जो होता था वो हमेशा जेंगो ही रहा। और आपको ये भी चीज कहूंगा कि मैं जितने भी कंपनीज में काम किया है, इतना नहीं है कि मैंने सब में सेम ही काम किया है। सारी कंपनीज में मेरा काम बहुत वैरायटी वाला होता था कि हायर किसी और चीज के लिए किया जाता था और मैं कुछ और चीज कर रहा होता था या फिर मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कुछ और होता था। तो ये सारी की सारी चीजें डिफरेंट भी थी लेकिन लिंक भी थी एक दूसरे के साथ कि मुझे पाइथन आती थी और जितना भी मैंने आज तक काम किया है वो पाइथन के बेसिस पे ही रहा है। लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ अगर आपको डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ जेंगो आती है तो उसका इतना ज्यादा फायदा नहीं होता। जैसे लोग पहले कहते थे कि यार अगर तुम्हें सिर्फ पाइथन आती तो उसका इतना फायदा नहीं, आपको कोई फ्रेमवर्क करना पड़ता है, तो मैं आपको अब ये चीज कहूंगा कि आपको फ्रेमवर्क के साथ साथ डेटाबेस की नॉलेज भी होनी बनती है कि कोई एक आधा डेटाबेस आप डेफिनेटली कर लीजिएगा, चाहे वो एसक्यूएल हो या फिर पोस्टग्रेएसक्यूएल, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की बात करूं तो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, ये तो बेसिक है, आपको इनके बारे में तो पता होना चाहिए अगर आप एक जेंगो डेवलपर हो। तो सिमिलरली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब मैं उस कंपनी में गया था तो इतना ज्यादा नहीं पता था, मुझे सिर्फ पाइथन के बारे में पता था। तो वहां पर जाकर मैंने एसक्यूएल, पोस्टग्रेएसक्यूएल को एक्सप्लोर किया कि किस तरह से यूज किया जाता है, फ्रंट एंड पर काम किया, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट किस तरह से यूज की जाती है, तो आपको भी ये सब चीजें फेस करने को मिल सकती हैं। लेकिन मेरे लिए वो सब चीजें बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग थी, इतना ज्यादा मैं स्ट्रांग नहीं था कोडिंग के मामले में। लेकिन जब मैं उस कंपनी से निकला
तो मेरा वो कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजों में एक्सप्लोर करके देख लिया था, जिसके कारण क्या हुआ कि वो सब चीजें अब मेरी ऐसे टिप पर रटी हुई थी, या ठीक है अगर कल को कोई मुझे कोई काम दे देता है वेब डेवलपमेंट के बेसिस पे और स्पेशली जेंगो के बेसिस पे, तो मैं वो चीज कर सकता हूं। तो अगर मैं आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मेरा आप ऐसा लगा सकते हो कि 1.5 से 2 साल के बीच मैंने प्रॉपर जितना मेरा टोटल एक्सपीरियंस उसमें मैंने जेंगो में काम किया है। उसके अलावा मैंने फ्लास्क फ्रेमवर्क को भी एक्सप्लोर काफी ज्यादा किया और उसके अलावा और भी टेक्नोलॉजीज में काम किया है, लेकिन जेंगो के बाद आपको डिप्लॉयमेंट करनी आनी चाहिए कि डिप्लॉयमेंट किस तरह से की जाती है, क्योंकि जब आप कल को इंटरव्यूज देने जाते हो ना वो सिर्फ और सिर्फ जेंगो के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछता, वो आपसे डिप्लॉयमेंट भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो मैं आपको यही चीज कहूंगा कि अगर आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना तो बेसिक ऊपर ऊपर से कि जेंकिंस क्या होते हैं, डॉकर्स क्या होते हैं, आपको इसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए कि किस तरह से किया जाता है, ताकि कल को आप इंटरव्यू में वो सब चीजों के बारे में बता सको। और अगर इन टर्म्स ऑफ सैलरी की बात करूं तो मैंने तो सिर्फ 1.5-2 साल ही काम किया है जेंगो पे, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 साल एक्सपीरियंस है जेंगो में और उनके पैकेज की कोई लिमिट भी नहीं है। और इवन कि जब मैं भी कंपनी से निकला था, मैं एज ए जेंगो डेवलपर के बेसिस पे ही जॉब्स देख रहा था, उस टाइम पे भी मुझे काफी अच्छे अच्छे पैकेजेस उस टाइम पे ऑफर किए जा रहे थे। ये चीज आपको कहूंगा कि अगर आपका अभी जैसे कि करंट मार्केट स्टैंडर्ड अभी चल रहे हैं, अगर आपका अभी 3-4 LPA पैकेज है, यू कैन इजिली गेट 30-40 LPA पैकेज अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर लेटर हो। बाकी सब चीजें डिपेंड करती है कि इंटरव्यू में आपकी किस तरह से परफॉर्मेंस थी और उसके अलावा आपके पास कितने ऑफर लेटर उस टाइम पे पड़े हुए हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। लेकिन हाँ, सैलरी की कोई लिमिट नहीं रह चुकी, जेंगो डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा स्कोप है। और अगर आपको पाइथन आती है और उसके अलावा कोई वेब डेवलपमेंट के लिए कोई चीज आती हो, देन उसके अलावा कोई भी डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज आती हो, दैट इज बूमिंग राइट नाउ। पाइथन प्लस वेब प्लस AWS इज बूमिंग राइट नाउ, जिसकी सैलरी की कोई लिमिट ही नहीं रह चुकी। तो अब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ की बात करूं तो जेंगो में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, मैंने खुद से भी देखी और मैं आपको ये चीज कहूंगा कि मैं लोगों को भी जो ग्रो करके देख रहा हूं तो बहुत ज्यादा स्कोप इसमें है। लेकिन मैं आपको ये चीज कहूंगा कि हमेशा किसी एक टेक्नोलॉजी पर स्टिक करके मत रहिएगा, और चीजों में भी एक्सप्लोर डेफिनेटली जरूर कीजिए। अगर आपको जेंगो आता है फ्लास्क को भी एक्सप्लोर कीजिए, अगर आप फ्रंट एंड में जाना चाहते हो तो रिएक्ट एंगुलर व्यू को भी एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी पर बैठकर आप ज्यादा आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये था मेरा जेंगो डेवलपर के बेसिस पे एक्सपीरियंस। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही हो। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।